वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ हेमा और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रोटी की रेसिपी जो आप उपवास में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये रोटी बनी है राजगीरे के आटे से। और आप सभी को पता है राजगीरा जो है अनारदाना आप उपवास में खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं राजगीरे की रोटी आपको कैसे बनाना है। राजगीरे की रोटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कप राजगीरे का आटा लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम राजगीरे की रोटी बनाने वाले हैं तो हमेशा से जो है एक या फिर दो टेबल स्पून आप सिंघाड़े का आटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इसकी रोटी फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको हो सकता है तकलीफ हो, बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। बट सिंघाड़े का आटा होगा तो एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा ये जो है राजगीरे की रोटी आप बेल रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा कि गेहूं के आटे की ही जो है आप रोटी बेल रहे हैं। इसलिए आपको जो है सिंघाड़े का आटा का इस्तेमाल करना है अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। और आप सभी को पता है सिंघाड़े का आटा भी और राजगीरे का आटा दोनों चीज़ हम खा सकते हैं उपवास में, राइट? तो इसलिए सिंघाड़े के आटा का जो है इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पर जो है मैंने मीडियम सख्त आटा जो है रेडी कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब यहाँ पर मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी और बहुत ही हल्के हाथों से जो है आपको इसकी रोटियाँ बेलनी हैं। वो ज़्यादा प्रेशर ना लगाए, वरना ये रोटियाँ बहुत ज़्यादा नरम आटा होता है ना ये, तो इसलिए बहुत बिगड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से इसकी रोटियाँ बड़े प्यार से बेलिएगा। फिर इसके बाद जो है आपको ये रोटी वैसे ही सेकनी है जैसे आप रोटियां नॉर्मल सेकते हैं गेहूं के आटे की, बस वैसे ही एक साइड में जो है इसे थोड़ा सा पकाएं। फिर जब आप इसको पलटी करेंगे तो इसको कुछ देर तक पकने दें। तो ये होता है, एक साइड आप थोड़ा पकाते हैं और दूसरी साइड को पूरी तरीके से जब आप पकाते हैं, और बाद में जब इसको जो है चूल्हे पे आप पकाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो फूलती हैं रोटियां, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बस उसी तरह से। अगर आपका आटा अच्छी तरीके से गूंदा होगा और आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से बेला होगा और सेका होगा तवे पे, तो ये इस तरीके से ये रोटी फूलती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। बहुत नरम, मुँह में पिघल जाने वाली होती है ये रोटी। ज़रूर ट्राई करें इस नवरात्रि में, इस उपवास में, और किसी भी इस सब्जी के साथ जो उपवास में बनती है उसके साथ आप ये खा सकते हैं, या फिर दही के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये राजगीरे की रोटी की रेसिपी और इसका टेक्निक जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारी जो ये वीडियो है इसे लाइक करें और बने रहेगा हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हम बहुत सारी नवरात्रि की जो है रेसिपीज ला रहे हैं।